कोलकाता नाइट राइडर को आईपीएल 2024 में कई प्लेयरों ने चैंपियन बनाया, तो वही कोलकाता नाइट राइडर के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने आया। सबसे बड़ा खतरा की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर के लिए आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि मेगा ऑक्शन की बात करें तो मेगा ऑक्शन में सभी टीमों को सिर्फ चार प्लेयर को ही रिटर्न करने का मौका रहेगा। सभी टीम सिर्फ चार प्लेयर को ही रिटर्न कर सकती है और ऐसे में सभी टीम को जितने बाकी प्लेयर हैं सबको रिलीज करना पड़ेगा। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर के पास सभी चैंपियन प्लेयर थे जिसने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर को चैंपियन बनाया। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर के टॉप फोर प्लेयर कौन होने वाले हैं जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले होने वाले हैं रिटर्न, तो बताएंगे पूरी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बताते चले कि आप अगर केकेआर के फैन हैं तो केकेआर के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करें कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयरों का स्टेट, जिसका किसका कैसा प्रदर्शन रहा आईपीएल 2024 में। सबसे पहले बात करें बॉलर की, तो बॉलर की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम रहा वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती ने केकेआर के लिए आईपीएल 2024 में 21 विकेट हासिल किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नाम था हर्षित राणा का। हर्षित राणा ने केकेआर के लिए बेहतरीन सीजन रहा और हर्षित राणा ने केकेआर के लिए 19 विकेट हासिल किए हैं। वहीं नंबर तीन पर सबसे बड़ा नाम रहा आंद्रे रसल का। आंद्रे रसल ने केकेआर के लिए 19 विकेट हासिल किए हैं। वहीं नंबर चार की बात करें, नंबर चार पर सबसे बड़ा नाम रहा मिचेल स्टार्क का, और मिचेल स्टार्क ने लास्ट तीन मुकाबले में काफ़ी इम्प्रेस किया है और मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2024 में केकेआर के लिए 17 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो ये टॉप फाइव प्लेयर रहे केकेआर के जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं बैट्समैन की बात की तो बैट्समैन में कई बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुनील नारायण का। सुनील नारायण ने केकेआर के लिए आईपीएल 2024 में 15 मुकाबले खेले हैं। 15 मुकाबले में उन्होंने 488 रन बनाए हैं। वह नंबर दो की बात करें, नंबर दो पर नाम आता है फिल साल्ट का। फिल साल्ट ने केकेआर के लिए 12 मुकाबले खेले हैं और 12 मुकाबले में केकेआर के लिए 435 रन बनाए हैं। वहीं नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन पर नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने 15 मुकाबले में 370 रन बनाए हैं केकेआर के लिए। वही नंबर चार की बात करें, नंबर चार पर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने केकेआर के लिए 14 इनिंग में 351 रन बनाए हैं। वही नंबर पाँच की बात करें, नंबर पाँच पर नाम आता है आंद्रे रसल का। आंद्रे रसल ने केकेआर के लिए 222 रन बनाए हैं। तो ये सभी 10 प्लेयर हैं जो केकेआर के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इन सभी प्लेयरों में वो टॉप फोर प्लेयर कौन होने वाला है केकेआर के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा नाम होने वाला है सुनील नारायण का। सुनील नारायण केकेआर की पहली चॉइस होने वाले हैं। वहीं दूसरी चॉइस की बात करें, दूसरी चॉइस होने वाले आंद्रे रसल। आंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों पहले ही रिटर्न हो जाएंगे केकेआर के लिए। वहीं नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन पर नाम होने वाला है श्रेयस अय्यर का, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने केकेआर को चैंपियन बनाया है, तो श्रेयस अय्यर को केकेआर डेफिनेटली रिटर्न करने वाली है। वही नंबर चार की बात करें, नंबर चार पे कई ऑप्शन हैं, लेकिन पहला ऑप्शन होने वाला नंबर चार पे वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण बेहतरीन स्पिनिंग बॉलिंग करते आए केकेआर के लिए। तो ये टॉप फोर प्लेयर होने वाले केकेआर के लिए रिटर्न आईपीएल 2025 में। लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि केकेआर के लिए वो टॉप फोर प्लेयर कौन होना चाहिए, तो जो आईपीएल 2025 में केकेआर को रिटर्न करना चाहिए। तो केकेआर के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।